नमस्कार मित्रों मित्रों इस वीडियो में आप लोग जान पाएंगे कि विश्वकर्मा समाज और सोनार समाज की उत्पत्ति कब और कैसे हुई। तो मित्रों, बात उस सतयुग की है जब ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण कर रहे थे और उस समय 8 वसुओं की उत्पत्ति हो चुकी थी। जैसा कि आप लोग उन वसुओं के नामों को यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इन 8 वसुओं से बहुत से ऋषि मुनि और देवगण पैदा हुए। जैसे ध्रुव नामक वसु से भगवान काल उत्पन्न हुए, किंतु हम यहाँ पर विशेष रूप से बात करेंगे प्रभास नामक 8वें वसु की, जिनके बारे में हरिवंश महापुराण के हरिवंश पर्व के तृतीय अध्याय में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ मिलता है। बृहस्पति की बहन का नाम ब्रह्मचारिणी था। वह योग सिद्ध श्रेष्ठ स्त्री आसक्ति को त्याग कर सारे संसार में विचरण किया करती थी। आगे चलकर वह प्रभास नाम वाले 8वें वसु की भार्या अर्थात पत्नी बनी। मित्रों, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये प्रभास नामक वसु वही हैं जिनके बारे में अभी अभी हमने बताया है। अब इसके आगे के क्रम में ऐसा हुआ कि जब बृहस्पति की बहन ब्रह्मचारिणी प्रभास नामक वसु की पत्नी हो गई, तब उसके गर्भ से विश्वकर्मा नाम वाले महाभाग्यवान प्रजापति उत्पन्न हुए और यही विश्वकर्मा भगवान हजारों शिल्पों अर्थात कलाओं की रचना की है और वे देवताओं के बढ़ई अर्थात लोहार हैं तथा वे शिल्पियों में श्रेष्ठ विश्वकर्मा सब आभूषणों को बनाने वाले हैं अर्थात वे स्वर्णकार भी हैं। इस प्रकार से आप लोगों ने जाना कि भगवान विश्वकर्मा वसुओं में श्रेष्ठ वसु प्रभास के पुत्र हैं तथा भगवान विश्वकर्मा की माता ब्राह्मण देव बृहस्पति की बहन हैं और आगे चलकर भगवान विश्वकर्मा की पत्नी आकृति से इनका वंश आगे चला, जिनके वंश के लोगों की पहचान वर्तमान समय में लोहार और सोनार के नाम से विख्यात है, जो सर्वाधिक शुद्ध जाति मानी जाती है क्योंकि इनकी आदि माता ब्राह्मण देव बृहस्पति की बहन थी। और यह भी देखा जाता है कि लोहार और सोनार कभी भी अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किए और चाटुकारिता से ये कोसों दूर रहने के कारण ये काफी पिछड़ गए, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें पिछड़ी जातियों में रखा गया ताकि इनका शैक्षिक और सामाजिक उत्थान हो सके। और आज भी इस महान जाति के सम्मान के लिए कोई आगे नहीं आया। इस संबंध में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कुछ इस प्रकार से कहा है, उसे भी आप लोग देख लीजिए। बड़े पैमाने पर लोग आए की मांग थी कि विश्वकर्मा जयंती का आयोजन और पूजा के दिन हमारी छुट्टी हो, ये सम्मान देने का काम, जिससे परिवार के और विश्वकर्मा समाज के साथ साथ और लोग भी पूजा कर सके, अपने भगवान को याद कर सके, उसके लिए छुट्टी की गई थी। लेकिन ऐसे मुख्यमंत्री जो काम नहीं करते उन्होंने छुट्टी खत्म कर दी, ये भगवान विश्वकर्मा का नहीं उनके समाज के लोगों का अपमान किया है सरकार ने। तो मित्रों, भगवान विश्वकर्मा जी की उत्पत्ति के साथ साथ विश्वकर्मा समाज वाला यह वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।